बॉडी के लिए, देख सकते हैं कैसे चल रहे हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बाकी दिखाते हैं गाइस, यहाँ का भाई पकड़ना पड़ेगा, ऊपर पहुँच के दिखाते हैं सीन। ये ऋषभ, इन दो लड़कों का इंटरेक्शन करवाएंगे ऊपर चल के। सो गाइस सीकू पहुंच चुके हैं। सो गाइस अभी पौड़ी पहुंच चुके हैं, ये है टैक्सी स्टैंड यहाँ का, जैसे कि आपको पता ही दिखाया मैंने वीडियो में। और ये सारे लौंडे इधर मौसी को छोड़ने आए, मौसी को सी ऑफ करके चलते हैं ऊपर, कुछ खाएंगे पियेंगे। सो गाइस यहाँ से सोना मौसी को सी ऑफ करेंगे, उनके लिए लेके जा रहे हैं आटा और 5 किलो लड्डू, और ये अपने पुलिस वाले साहब। ओके भैया। सो गाइस ब्रेड पकौड़ा आ चुका है, 15 रुपए का एक। साइज देखो भाई, जरा सा साइज है, छोटा सा। ब्रेड पकौड़े के बाद समोसे आते हुए यहाँ पे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं खिरसू, ये देख सकते हैं आप। सो गाइस अभी आ चुके हैं खिरसू, ये देख सकते हैं पलटन उधर चल रही है। अभी जा रहे हैं ये लोग जंगल काफल तोड़ने, जंगल जंगल ही आ चुके हैं, देखो शायद सारा जंगल है इधर। ये पार्क बना रखा है यहाँ पे खिरसू का, चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अभी कुछ प्लान नहीं है गाइस, कुछ भी प्लान नहीं है, बस निकल पड़े हैं कहीं पे भी। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। सफर का ही था मैं, सफर का रहा ये विक्को। हेलो हेलो, ये काले हो गए भाई, काले तो हो गए, मैं तो बहुत काला हो गया। जंगल में आ गए हम, जंगली। हाँ देखो भाई सारे जंगल हैं यहाँ पे, इधर रूम ले लिया हमने यहाँ पे। अभी अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको ये कैसा है, नीचे की तरफ हमारा रूम। ये देखो गाइस, ये यहाँ से व्यू है, उधर रूम है हमारा नीचे। सो गाइस अभी जा रहे हैं खाना खाने, लंच करने। ये सारे अंडे अपने, जॉनी इतना जॉनी खाना खाने जा रहे हैं यहाँ से, शॉर्टकट बताया किसी ने। बाकी रोड से आ रहे थे हम, वहाँ लंबा पड़ रहा था, यहाँ से चलेंगे शॉर्टकट, फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे जहाँ पे खाना खाएंगे। दिखाते हैं क्या क्या लेंगे, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सुबह लंच नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी लंच भी नहीं किया, अब सीधा लंच करेंगे उसके बाद डिनर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं वहाँ पे। ये देखो गाइस व्यू, और इधर हमारा होटल है पीछे, स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ के जो लोकल होते होंगे, यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनके लिए क्रिकेट खेलने का स्टेडियम है, बैट बॉल वगैरह खेलते होंगे यहाँ पे। ये देखो स्टेडियम मेरा, इसके इधर ही बगल में मंदिर है, और ऊपर अपना रूम है, होटल है अपना, दिख नहीं रहा यहाँ से। गाय माता आ गई, देखो ऐसे बताते हैं जो यहाँ के लोकल होते होंगे ना, और दूसरे गांव के लोकल लोग होते होंगे यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते होंगे खिरसू में। और चलते हैं आगे, लौंडे जा रहे हैं आगे के जल्दी जल्दी, मैं पीछे रह गया पूरे सारे। और ये अपनी गाय माता पानी पी लिया यहाँ पर, मिलते हैं फिर होटल में। इस मार्केट में आ चुके हैं अभी, ये देख रहे हैं यहाँ पे कहीं खाने पीने का मिल जाए बढ़िया सा, अपना लंच हो जाए। ऑप्शन है राहुल, कहाँ पे? अच्छा ये तो फिर वही आंटी के यहाँ आ गए जहाँ से चाउमीन वगैरह खाई थी। चलो
चलते हैं गाइस ये वहीं पे आ गए वापस घूम घाम के जहाँ से हमने चाउमीन खाने चले गए। देखते हैं क्या क्या लगे। सो गाइस लंच वगैरह हो गया, अभी हम आए हैं चौबट्टा मार्केट में और ये चौनी थ्रो अपना आ गए, पहुँच गए पहुँच गए भाई चौबट्टा, ये मार्केट है यहाँ पे। चलो आ गए भाई चौबट्टा मार्केट, थोड़ा यहाँ से सामान वगैरह लेना है खाने पीने खाने वाने के लिए सामान लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है वेज नॉन वेज वगैरह कोई ढंग का खाना, और है भी तो कोई ढंग का नहीं है और महंगा भी है, तो यहाँ से लेके चलेंगे खाने वगैरह के लिए कुछ। बाकी चौनी यहाँ का ट्रेंड आदमी है ये बताएगा यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है क्या नहीं मिलता। चलो चलते हैं फिर। सो गाइस चौबट्टा से आ चुके हैं खाने वाने का सामान लेके इनका जॉनी के पास, और अभी जंगलों से जाने पता चला क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, और गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिली तो 5-7 किलोमीटर होगा यहाँ से, पैदल पैदल चलेंगे दोनों। ये देख रहे हैं जंगल थोड़ा वाला, और इधर काफल भी लगे हैं खाने के, फल होते हैं जो उत्तराखंड में, अगर मिले तो खाएंगे दिखाएंगे आपको, नहीं तो फिर मिलेंगे सीधा होटल में पहुँच के। बाकी आप देखो भाई कितना सुनसान हो रखा है, और आवाज़ सुन रहे हो तुम ये जंगल की आवाज़, और जंगल देखो इधर सब, इधर जाने वाली गाड़ी आ रही है, इधर की कोई गाड़ी नहीं आ रही, इधर की तो आई फिर सुख ले फिर सु, यहाँ 1.5 किलोमीटर है अब, 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ चलो पहुँच के मिलते हैं फिर। सो गाइस यहाँ पे 5-6 लौंडे फुटबॉल खेलते हुए इधर ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे आई थिंक सो, और ये देखो यहाँ पे भोटिया कुत्ते कितने सारे हैं भाई साहब, ये भी फुटबॉल खेलने आ रहे हैं, ये हमारी फुटबॉल बना देंगे पीछे पड़ गए तो वो देख, अगर इन्होंने टीम बना दी तो फुटबॉल खेलने आ गए। सो गाइस ये अपने हेमू भाई कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं, अंधेरा हो चुका है ये कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे हैं। सो गाइस अभी आ रखे हैं डिनर लेने यहाँ से, अंडे की भुजिया करवाई है 8 अंडों की, और राहुल की करवाई है 1 प्लेट थाली, बाकी ये वही एंटी पे आ रखे हैं जहाँ पे हम पहले खा रहे थे, और यहाँ से हम निकलेंगे अपने होटल के लिए, होटल में चल के मिलेंगे, और आंटी पे बहुत भीड़ है और आंटी का खाना ही बहुत महंगा है। सो गाइस अभी ये जॉनी लेके आ गए यहाँ पे, उधर हमारा खाना बन रहा पता नहीं कहाँ लेके आ गया है सुरंग में आगे चल ले। ये देखो बैक कैमरे से यहाँ पे तो पता नहीं गेट भी है अंदर, आंटी एंट्री नहीं है मेरे को तो लग रहा है, एंट्री खुला तो है। गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ये एंट्री गेट है यहाँ का, कुछ दिख नहीं रहा होगा मुझे भी लग रहा है, बहुत रात हो चुकी है भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, लाइटें भी नहीं जलती है, देखो ये अगर आसपास घर होंगे तो लाइट जल रही होगी, नहीं तो ये जंगल है इधर, इधर जंगल है ये। तो गाइस यहाँ बाघ वाघ ये देखो ये बताएगा गाइस यहाँ बाघ वाघ सब रहते हैं, भालू चीता सब रहते हैं, बहुत डर है यहाँ। और गाइस यहाँ से बच के रहना चाहिए, यहाँ बहुत केस होते हैं गाइस। देखो यहाँ पे जैसे दिल्ली में इंसानों का डर होता है ना, जेब कतरों का, इन सब चीजों का डर नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि भाई जानवर का डर है और भूतों का डर है सबसे पहले तो भूतों का डर है, उसकी सेफ्टी भी रखनी जरूरी है। सो गाइस देखो ये रहा तुम्हारा भाई, और देखो फुल अंधेरा हो रहा है, बस हम दोनों दिख रहे हैं सफेद कपड़ों में, भूत है भयंकर, कोई है क्या टक्कर में खिड़सू में दो ही भूत है बस यहाँ पे खिड़सू में भयंकर, बाकी तो सारे फट्टू है वो तो वही बैठे हुए भाई, से कह रहे हम नहीं आ रहे घूमने घूमने रात में। और देखो ये इधर लाइट जल रही है, यहाँ घर है और इधर कुछ नहीं है, इधर जंगल है, सीरियसली गाइस यहाँ जंगल है, इससे पूछ लो यहीं का रहने वाला है तिमली में मेरे गांव का, और ये जंगल है भाई साहब, और ये गाड़ी आ गई यहाँ से, वही तो फट गई गाड़ी की आवाज़ सुन के। सो गाइस देखो बोल रहे हैं भाई आए थे ना अभी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बाघ लगा हुआ है, तो यहाँ पे मत रखो, अब मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे अभी बाघ दिखा तो हम जा रहे हैं, फ्लैश लाइट जला अपनी दिख नहीं रहे, तो गाइस यहाँ पे ना बाघ लगा हुआ है, और देखो भाई मैं सच में बता रहा हूँ बहुत घना जंगल है, इधर दिखाई जरा उधर करी हुई टॉर्च,
सो गाइस इधर सुन यार, मैं तुम्हें बैक कैमरा से दिखाता हूँ एक बार, बाकी अभी तुम सुनो मेरी बात। भाई यहाँ पे बाघ लगा हुआ, अभी जैसे हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने जैसे हमें को देखा तो उन्होंने बोले हाँ बाघ लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे मत रुको यहाँ से, मतलब जहाँ जाना है आपको खाने पीने जाना है वहाँ जाओ, या तो फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ रहने के लिए, बट ऐसे मत रुको यहाँ पे, तो चलते हैं। गाइस मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ बाघ वाघ बहुत डर है, अभी आओ। भाई आपने न्यूज में देखा ना खतरों के खिलाड़ी, ये रियल खतरों के खिलाड़ी हैं, गांव के रहने वाले डंडे। तो कभी आना इधर तो बच के रहना। हाँ भाई रात को बिल्कुल भी ना घूमे यहाँ, मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा हमारे तरह डेयरिंग ना बने, डेयरिंग के चक्कर में कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, सच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है बाघ लगा हुआ, क्योंकि यहाँ भालू भी होता है, क्योंकि बहुत घना जंगल है जो मैंने दिन में देखा था और मैंने दिखाया भी था आपको। ठीक है अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं पीछे से, तो और यहाँ खैर यहाँ होटल वोटल है, पहले हम यही रूम लेने वाले थे इधर ही होटल में, बट क्या है कि यहाँ पे ना अभी टूरिस्टों का वो बना हुआ है, अभी चारधाम यात्रा का भी वो चल रहा है ना, और यही रूट है उनका बद्रीनाथ केदारनाथ वाली यात्रा का, ऋषिकेश हरिद्वार का, और तो यहाँ पे बहुत महंगे रूम वगैरह हो रखे हैं अभी इस टाइम पे ना, तो अभी हमने यहाँ पे रूम नहीं लिया था क्योंकि भाई अगर हमने क्या कहते हैं एक सेपरेट रूम पूछा था वन बेड का, टू बेड जो होते हैं तो वही बहुत महंगा था, तो आगे चलते हैं अब जहाँ हमारा खाना बन रहा है वहाँ चलते हैं। वेलकम यू एट GMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस खिरसु, और ये देखो यहाँ पे हम बैठे हैं आंटी जी की दुकान पे, आंटी जी की दुकान पे भी ये गेस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, इसके बाद हमारा खाना लगेगा। गाइस मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो गाइस देखो ये होते हैं डेयरिंग लोग गांव के, भैंस की से मैंने मजाक मजाक में बोला अंदर चलने जंगल के, हीरा देखो गेट, और ये है देखो ये मनोरंजन, ऐसे मत पढ़ना मनोरंजन पार्क है, बस यहाँ पे भालू वालू बाघ वाघ सब होते हैं, और ये गेट में बंद पड़ा है यहाँ पे, ये लॉक लगाओ, ये देखो ये अंदर चला गया, मजाक मजाक में बोला था मैंने इससे, ये अंदर चला गया देखो यहाँ से, भाई वापस आ जा भाई, साले तुम हमारे पैसों से आया है, चलो ना आ जा, नहीं मैं नहीं आ रहा, आ जल्दी आ जा, वही क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ आग लगा रखी है, पता नहीं किसमें, हाँ पानी आ रहा है, हाथ में धो लेते हैं, ओ तेरी तगड़ा हैंडपंप लगा, जो जमीन से निकलता है ना पानी, हाँ वो बहुत साफ रहता है, क्योंकि देखो यहाँ बोरिंग का पानी नहीं होता गाइस, ये जो जमीन से डायरेक्ट पानी निकलता है ना वो मीठा पानी निकलता है, पी के देखूं। सो गाइस देखो ये रहा पानी, तो देख रहा है हैंडपंप का पानी कितना, मेरा गाइस पानी हैंडपंप का, बड़ा ठंडा भाई एकदम मीठा पानी है, ये रहा अपना लौंडा। अभी हम पियेंगे पानी, चल। भाई चलाएंगे हैंड पंप, मैं चलाता हूँ, चल। गाइस ये हो जाती है एक्सरसाइज, रात में दिख नहीं रहा गाइस, टॉर्च का मार दिया तूने, देखो भाई इसकी बाजू में निकाल दिया तुम्हारे भाई, बहुत ठंडा पानी है हाँ ना, और मीठा सा भी हो रहा है ना, तो ये जमीन सारा डायरेक्ट, तो क्या होता है ना देखो दिल्ली में ऐसा होता है कि अगर जो जमीन से पानी खींचते हैं ना वो बोरिंग का पानी होता है, बोरिंग का पानी खारा खारा पानी होता है और गंदा सा भी होता है, उसे पीने लायक नहीं होता, और ये जो पानी आ रहा है एकदम मीठा पानी आ रहा है जमीन के नीचे से, और पीने लायक भी है और मस्त हो रहा है भाई, ठंडा एकदम बहुत ठंडा भाई, सब जमीन से मजा आ गया, निकलता है बहुत ठंडा होता है। जॉनी जनार्दन है अपना, ये है यहाँ पे एम्बुलेंस, अगर यहाँ पे कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो, क्योंकि यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल नहीं होती है, तो अगर यहाँ पे ये सारा ऐसा लगा लो कि ये टूरिस्ट प्लेस ही है ना एक तरह का, है ना टूरिस्ट प्लेस है, इधर भी ये सारा टूरिस्ट प्लेस है, और ये होटल है, इधर भी होटल है उधर भी होटल है, और थोड़े है ना वहाँ सारे होटल ही है, तो ये सारे होटल हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ पे ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है,
मेरे पीछे जैसे देख सकते हो आप, दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दिखा दिया आपको। तो अगर कुछ भी एमरजेंसी हो जाती है तो यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। जो भी पौड़ी में होगा ना ऐसे हॉस्पिटल, हाँ तो यहाँ पे जो भी मेन हॉस्पिटल होगा वो पौड़ी श्रीनगर में ही होगा। और यहाँ से पौड़ी कितने किलोमीटर है? यहाँ से ज़्यादा नहीं है, वैसे पाँच ही होगा, पाँच किलोमीटर। पागल है क्या? पाँच तो साले हम आ जा रहे थे कहाँ, खिरसू डेढ़ किलोमीटर, खिरसू नहीं वो चौबट्टा, चौबट्टा डेढ़ किलोमीटर था वहाँ से, था ना पर पाँच किलोमीटर नहीं होगा पौड़ी। चलो ऐसे लगा लो, नहीं पाँच ही है यार, ज़्यादा होगा यार। सुनो हाँ ज्यादा है, ज्यादा है यार। क्योंकि वहाँ से बोबाखाल से यहाँ है, यहाँ तक है खिरसू तक, खिरसू तक पाँच किलोमीटर है बोबाखाल से। ठीक है यार, देखो मैं तो, मेरे को जितना लगा यहाँ से तो 10 से 12 किलोमीटर तो होगा ही, हाँ, होगा ही होगा इतना गाड़ी से, बाकी तो सारा जंगल है, पैदल तो कोई आना नहीं चाहेगा, और ये गाड़ी से ही ले जाना होगा। और सिरकोट यहाँ, श्रीनगर यहाँ से, सॉरी श्रीनगर यहाँ से 31 किलोमीटर है, हाँ 31 किलोमीटर। और पौड़ी होगा यहाँ से तुम्हारा 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होगा ही होगा, मैक्सिमम 15 किलोमीटर होगा। यहाँ से कुछ भी ऐसा कुछ एमरजेंसी हो जाती है तो ये एम्बुलेंस खड़ी यहाँ से जाती है। बाकी यहाँ मज़ा बहुत आ रहा है, ठंडा है तो गाइस सब भूत बने हुए हैं ठंडा है, दोनों भाई ने वाइट वाइट पहन रखा है, दोनों भाई भूत बन गए, यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं आपके लिए। और आप ना ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बोल जॉनी और लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो गाइस ये देखो हमारी अंडे की भुजिया बन चुकी है, और इधर हमारी प्लेटर भी रेडी है। हाँ जी भाई साहब, प्लेटर रेडी है हमारी। और ये हमारी भाभी जी हैं, ये हमारी भाभी जी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर वैली चैनल का नाम है, ठीक है। और ये हमारी भाभी जी हैं, भाभी जी ने हमारी सुबह से खूब सेवा करी, और उन्होंने हमें बोला कि यहीं पे खाने आना है आपको और कहीं नहीं जाना। और बाकी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग खिरसू में। और ये पूरी फैमिली है, ये इनके हस्बैंड हैं हमारे भाई जी, हाँ बिल्कुल हमें देख के और भी आएंगे, है ना, जब कभी भी आओ तो इस, हाँ इन पे जरूर आए। नाम क्या है यहाँ का, क्या नाम है? हाँ तो ये भारत भोजनालय के नाम से यहाँ पे होटल है खिरसू। जब आप नीचे आओगे ना यहाँ से तो यहीं पे भाभी जी ने हमारी खूब सेवा करी है हमने दिन में भी यहाँ पे खाना खाया था, सुबह आके भी यही नाश्ता ही करा था, चाउमिन वाउमिन खाई थी हमने, जो भी खाया था। हाँ दिन में, हाँ सुबह भी आएंगे, हाँ अगर कहीं नहीं निकले तो यहीं आएंगे वापस। ये हमारे अंडे बन चुके हैं, और अभी प्लेटर भी रेडी है भाभी जी, हाँ वो भी प्लेट भी रेडी है। और ये हमारे भैया जी हैं शेफ इनकी बेटी है ये, हेलो करो क्या नाम है आपका, क्या आयुषी नाम है इनका, पढ़ते हो आप कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में है, देखो आयुषी फोर्थ क्लास में। आना चाहते आना नहीं, देखो आना चाहते, हम तो लाना चाहते ये आना नहीं चाहते। तो हम सुबह से यहाँ पे खाना खा रहे, कैसा लगा यहाँ का खाना भारत भोजनालय का? अच्छा था ना खाना? ठीक था, आंटी का व्यवहार भी अच्छा है, भाभी का और भाइया का भी व्यवहार अच्छा है, हाँ जो भी है भाभी भाभी का व्यवहार भी अच्छा है, मैं तो भाभी बोल रहा था ना अंदर, क्यों जानी, हाँ तो भाभी का व्यवहार भी अच्छा है। तो उस चीज के लिए हमें इतना वो नहीं हुआ कि भाई पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है गाइस, इनका अकेले का ही काम यहाँ पे है। तो अब बाकी यहाँ बताएंगे राहुल जी हमें राहुल बताओ कैसा लगा भाई खाना वाना, कहाँ आना है, कैसे कैसे आना है, पौड़ी से कैसे आना है? ₹50 देख लीजिएगा। तो गाइस जैसे कि आपने राहुल जी को देखा भैया हमारे व्लॉग में, और ये ऋषभ ऋषभ कौन है, भूत बन गया ऋषभ तो ये आ गया ऋषभ आ गया। तो ये देखो गाइस ये बैठे हुए थे मजे कर रहे थे,
अभी मजे करेंगे, आपको एक वो दिखाएंगे रिसोर्ट दिखाएंगे बासा, जो टॉप का है यहाँ पर बासा, बासा रिसोर्ट। अच्छा हाँ यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई बासा करके रिसोर्ट है, बहुत फेमस है वो, तो देखते हैं अभी पहाड़ी स्टाइल में घर बना उसके बाद। हमने यहाँ पे रूम लिया नहीं बासा में क्योंकि वो फुल था ना, फुल था ना वो फुलता वो उसकी बहुत डिमांड है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है उसके ना गाइस, तो हमें यही मिला। और ये भी बेस्ट है यार, मान ले सही है, दिखाते हैं बासा। सो गाइस देखो वो ये होटल है जो यहाँ के फेमस है, देखो बासा होटल। और देखो ये व्यू है यहाँ का, और यहाँ से सामने का व्यू भी ये है। देखो व्यू तो इतना कोई खास नहीं है, बट होटल बताते हैं यहाँ पे बहुत फेमस है। और ये वाइज अगर मैं आपको बताऊंगा ये फेमस क्यों है, तो ये ऐसा कोई फेमस है नहीं, ये व्यू इतना कोई अच्छा नहीं हमारे जो होटल्स में, आपको अभी व्यू दिखाऊँ कितना अच्छा है व्यू है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये ना ऑनलाइन काम करते हैं, अपनी वेबसाइट बना रखी है इन्होंने, तो दूर दूर से जो भी लोग आते हैं ना तो वो ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं पहली, है ना, उसके बाद ये यहीं पे ही रुकते हैं क्योंकि लोगों को यहाँ का जानकारी नहीं होती, तो इसलिए वो पहली बुकिंग कर देते हैं। और आगे काफ़ी अंधेरा हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है आगे, और ये भाई ने अपने स्पॉट लाइट दादा आगे अंधेरा हो रहा, नाली में घुस जाऊँ टट्टी में, मुझे पता नहीं है। तो चलते हैं फिर होटल में, मिलता आपको वहाँ से व्यू दिखाऊंगा। अरे भाषा वाषा कुछ नहीं है, ठीक है, व्यू कुछ नहीं है ना, वो तो ये है कि भाई इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट काम कर रखा है। बाकी हम कल आपको वहाँ के अंकल से ही मिलेंगे जो इन्होंने जिनसे हमने रूम लिया, बहुत अंकल बढ़िया है, हमारा काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, सब कुछ बताया डिसबैलेंस हो गए गाइस, तो बाकी रास्ता नहीं दिख रहा, काफ़ी सपोर्ट किया था उन्होंने हमें और काफ़ी कुछ बताया यहाँ के बारे में, उन्होंने कब से काम स्टार्ट किया था ये सब भी बताया। आपको कल मिलवाएंगे उनसे जब निकलेंगे हम यहाँ से होटल से। बाकी अब होटल में पहुँचते हैं, काफ़ी अंधेरा हो रहा है, वो लोग आगे निकल चुके हैं और बाग लगा हुआ है यहाँ पे, चलो। सो गाइज रूम में आ चुके हैं अभी, खाना वाना लेके धीरे धीरे बिस्तर पकड़ लिया इन्होंने, तो नींद आ रही है, खाना वाना खाते हैं फिर अपन भी सोएंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का व्यू, अंधेरा हो रहा है, बैक कैमरा से दिखाता हूँ।